काशिफ भाई आ जाओ जरा, आप भी थोड़ा सा इंटरव्यू। ये हमारे काशिफ भाई हैं। काशिफ भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। और आपकी सेहत बढ़िया? कुछ बता बोलना चाहेंगे कुछ? फजल भाई इधर को देखो जरा। मास्टर जी क्या हाल है आपके? और सेहत वेहत सब बढ़िया आपकी? फजल भाई हाँ जी सही हो आप? जैसे मास्टर जी ऐसे। और आपका मित्र मिलने जा रहे हैं बड़े ही खास, जो कि आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। आपने सुना होगा सेवेंजर्स के बारे में, वो मास्टर जी टोपे कासिफ दोनों मेरे भाई के वो फ्रेंड हैं। तो मेरे भाई के वहाँ आ रहे हैं तो उन्होंने मुझे बुलाया है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे शॉप्स हैं जो भी आपको लेना हो ना। ये देखो चोरी ना हो, हेलमेट तो उसका जुगाड़ कर किया जाता है। आदिल क्या कर रहा है जुगाड़? ये देखो भाई साहब हैं, हमने बुलाया एक भाई, हां ये डाला टंकी में। भाई वो फाइनली पहुंच गए हैं चांदनी चौक ना भागीरथी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल? मैं अमित तोमर एंड यू आर वाचिंग 80 ब्लॉग्स। आज दिवाली आने वाली है तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना दिवाली में आपको दिखाया जाए भागीरथी पैलेस और चांदनी चौक में क्या रौनक है, क्या है, क्या हो रहा है। जहाँ वहाँ चलते हैं, कुछ शॉपिंग भी करनी है, आपको दिखाते हैं मार्केट में क्या क्या हो रहा है और मिलते हैं फिर आपसे आगे चल के वहाँ पर। चले मैं आदिल। हेलो भाई। चलो जाम तो यहाँ हमेशा रहता है, जाम का तो कोई वो ही नहीं है यहाँ। जाम तो कभी दुनिया ख़त्म हो जाएगी मगर चांदनी चौक का दिल्ली का जाम ख़त्म नहीं होगा। चलिए चलते हैं मार्केट में, दिखाते हैं आपको क्या खरीदते हैं, आगे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। मॉल बनाया अभी यहाँ ना, ओमैक्स चौक चांदनी चौक अभी चालू नहीं है, चालू होगा थोड़े दिनों में। तो चलते हैं, चलो भागीरथी पैलेस की तरफ। ये देखो चोरी ना हो, हेलमेट तो उसका जुगाड़ कर किया जाता है। आदिल क्या कर रहा है जुगाड़? हैं हमने बुलाया एक भाई, हाँ ये टंकी में, और ये टंकी करी बंद, और ये लगा दिया। अब ये हेलमेट यहाँ आराम से सेफ है। देखा जुगाड़, एक से एक जुगाड़ है। ये है जी मार्केट सारी अंदर। दिवाली के लिए लाइटें लेने आए हम, यहाँ तो हमेशा भीड़ रहती है, कभी भी आ जाओ। ये देखिए कितनी लाइट्स की दुकान है सारी। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे शॉप्स हैं जो भी आपको लेना हो ना। क्या रेट बता रहे हैं भाई? क्या रेट है वो भाई? हेलो भाई, साढ़े 300 रुपए का है। कितने मीटर? क्या मीटर में? 10 बाई 10 का झरना भाई, चार मंजिल पे आ जाएगी भाई ये। कितने की बता रहे हैं आदिल? हेलो भाई, साढ़े 300 रुपए 75। ये देखिए सारी छोटी छोटी गलियां। ये कितने का है आदिल, क्या बता रहे भाई? अंकल क्या रेट है? 12 रुपए। क्वांटिटी दिखा दो। नहीं नहीं ये शॉप है भाई, क्या नाम है इसका? मैरीना लाइट्स। मैरीना लाइट्स तो यहाँ से लिए शॉप हमने, ये दिए बड़े कम रेट में लगाए हैं, बहुत अच्छे से रीजनेबल रेट हैं। किसी को भी आना हो तो इनके यहाँ आ जाए, चांदनी चौक में ही है इनकी शॉप, वो भागीरथी पैलेस में सॉरी। सब तरह की लाइटें मिल जाती हैं, फोकस लाइटें हो या वैसी, सब सब लाइटें मिल जाती हैं। आदिल ठीक है ना, देख ली तूने? लाइट मस्त भाई, 50 वाट में। ठीक है ठीक है, यहाँ से लिया भैया लाइटें ना घर के लिए, ये वाली ली है यहाँ से, 70 रुपए की एक पड़ी है। ये जो जल रही है ना रंग, ये वाली 15 दे दीजिए भैया, 15। आदिल कितने की पड़ी है हमें? ये भाई हमें पड़े हैं 65 की। 65 की है कौन पर उसमें? एलईडी में। एलईडी में। और ये जॉइंटर कितने का पड़ा है?
जॉइंटर हमें 60 डिफरेंट डिफरेंट तरह की लाइट्स है हर जगह ना नॉर्मल वैसे दुकान पे नहीं मिलती यहाँ मार्केट है ना तो यहाँ वैरायटी बहुत सारी है आप इजीली आपको सस्ती महंगी हर तरह की मिल सकती है ना थोड़ा रेट में बार्गेनिंग करनी पड़ेगी ये देखिए पॉल्यूशन फ्री पटाखे भी हैं लाइट भी हैं दोनों चीज़ एक साथ है देखो बजाइए भाई जी चलाना एक बार जरा पटाखों को क्या प्राइस अभी है इसका 1350 1100 अच्छा ये आपको लैंप मिलेगा देखिए लैंप मिलेगा आपको फूल मिलेंगे फ्लेवर्स मिलेंगे तो फाइनली भैया वापस जा रहे हैं बहुत ज़्यादा रास्ता दो चार दुकानें ही देखी अब वहीं से ले लिया क्योंकि अंदर जाने का टाइम ही नहीं है इतना भीड़ है कि बस सिर में कहीं कवर लग रहा है कभी कुछ लग रहा है और सीधा घर की तरफ लोहे का पुल है लो ये कम से कम 125 साल पुराना है अंग्रेजों का बनाया हुआ है अब तक चल रहा है इतना मजबूत बनाया था ये जमुना जी ये जमुना जी है लोहे का पुल क्या हाल है मैं अमित तोमर और फिर से वापस आ गया हूँ अपने ब्लॉग में एटी ब्लॉग्स में और आप होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे तो आज हम मिलने जा रहे हैं बड़े ही खास जो कि आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं आपने सुना होगा सेवेंजर्स के बारे में वो मास्टर जी टोपे कासिफ दोनों मेरे भाई के वो फ्रेंड हैं तो मेरे भाई के वहाँ आ रहे हैं तो उन्होंने मुझे बुलाया है एक हमारे फजल भाई और शौकीन भाई हैं उन्होंने बुलाया उनके पास जाते हैं उनसे मिलते हैं और आप सबको मिलाते हैं उन सबसे जो जो जिससे बात हो पाती है सबसे मिलाते हैं चलिए हमारे घर से कोई 3-4 किलोमीटर दूर ही है वो जगह 2 किलोमीटर जहाँ वो रहते हैं चलते हैं वहाँ आपको मिलवाते हैं सबसे चलिए चलते हैं आगे फाइनली पहुँच गए उनके जो एरिया है ना वहाँ पे ये देखिए कैसा एरिया है मुस्तफाबाद है यहाँ पे जाम रहता है आज तो ऊपर वाले का करम है कि यहाँ पे जाम नहीं है बहुत बुरा हाल रहता है यहाँ पर तो भाई मिलने आए थे भैया से हम सब जानते हैं आप सब भी मिलाने लाए थे हमें फोन कुछ भी बोलिए आप कुछ एक अपना डायलॉग बोल दो कुछ तो बोलो तो आपका चैनल है हाँ मेरा चैनल है बोलिए बोलो सही हैं क्या बोलूँ बताओ जो आप बोल सको अपने प्यार से दिल से भाई के चैनल को लाइक करो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो चलिए और सब बढ़िया इलाज भी कर लो फजल भाई इधर को देखो जरा मास्टर जी क्या हाल है आपके और सेहत वेहत सब बढ़िया आपकी फजल भाई हाँ जी सही हो आप जैसे मास्टर जी ऐसे और आपका मित्र मावी जी हाँ अरे वो तो वेरी गुड सिटीजन बॉय अच्छा आप आपके चाहते हैं वो ज्यादा वो मेरा मैं उसे बहुत लाइक करता हूँ प्यार करता हूँ मेरा छोटा भाई है वो और कबूल तो करवा देना चैनल मेरा हाँ तो मेरा चैनल कबूल करो हमारे तोमर जी का एक YouTube चैनल है सभी भाई उसे कबूल करो सब्सक्राइब करें लाइक करें और कबूल करें हाँ। और मास्टर जी कुछ बताइए आप थोड़ा बहुत बोलिए जरा एक आध कोई डायलॉग तो बोल दीजिए अपना डायलॉग डायलॉग तो वो ही तभी आते हैं तभी निकलते हैं अंदर से फीलिंग तो जैसा भैया ने कहा बिल्कुल सही काम से तो आपके मैच खेल रहे हैं हम भी खेलेंगे अगेंस्ट में आपके साथ जी हम तैयारी कर रहे हैं सीख रहे हैं अभी उस लायक बनना ना ना सीखे सिखाए आप पक्के हैं आप मैंने हमारे सेवेंजर क्रिकेट में जाकर देख सकते हैं हम कितने गड्ढे हैं नहीं नहीं हम देखते हैं ना हम तभी तो बता रहे हैं हम तो देखते हैं सारी चीज आपकी अरे काशिफ भाई आ जाओ जरा आप भी थोड़ा सा इंटरव्यू ये हमारे काशिफ भाई हैं काशिफ भाई क्या हाल हैं अल्लाह का शुक्र और आपकी सेहत बढ़िया कुछ बता बोलना चाहेंगे कुछ कुछ भी बोलिए आप कुछ एक अपना डायलॉग बोल दो कुछ तो बोलो तो आपका चैनल है हाँ मेरा चैनल है बोलिए बोलो सही हैं क्या बोलूँ बताओ जो आप बोल सको अपने प्यार से दिल से भाई के चैनल को लाइक करो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो चलिए और सब बढ़िया इलाज भी कर लो आपको कितनी चीजें मंगा दी हैं दुनिया भर की 3-3 बार चाय पी ली मास्टर जी हमें तो डैमेज करोगे आप चाय पिला के मुझे लग रहा है इतनी बेहतरीन चाय पिलाई है आपने कि जवाब नहीं चाहेगा
जैसे आपकी वीडियो जैसे आपकी चाय। चाय का राज बता दिया आपने, भाभी के हाथ में है ही कुछ जादू है ना। तो भाइयों वहाँ मास्टर जी के यहाँ से सेवेंजर्स के यहाँ से आ गए थे वापस, तो बहुत लेट हो गए, रात के 2:30 बज रहे हैं। वहाँ बैठे बैठे पता ही नहीं पड़ा टाइम का, 9 बजे पहुँचे थे, 2:30 बजे आए हैं। इतने अच्छे आदत है उन्होंने सबकी की कोई जवाब ही नहीं है। बड़ा खाने का बड़ा उन्होंने 10 चीज़ें मंगा दी और बहुत सारे से एक्सपीरियंस शेयर किया, बताया कि कैसे उनकी जर्नी रही है। हाँ तो चलिए मिलते हैं भैया, मैं भी सोता हूँ, 3 बजने वाले हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर कीजिए प्लीज़, और सब कमेंट्स कीजिएगा। और अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट।